हेलो एवरीवन आई एम वॉचिंग द लिमिट सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे आपको पता है कि कैलकटा यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं? वो आपको बोले थे कि आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड पे होगा और आपके पास 24 फोर आवर्स टाइम रहेगा पर आपका एग्जाम ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा ये उनकी बात का वो जो मतलब है इसको गलत निकाला गया था बहुत सारे यूनिवर्सिटी से ये अभी बोला जा रहा है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का वी सी के तरफ से कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वी ये बोल रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम होगा ट्वेंटी आवर्स में एग्जाम होगा ये तो मैंने बोला था पर मैंने एक बार भी नहीं बोला कि ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा और इसको लेकर

vice chancellor sonali chakraborty banerjee had said on wednesday that the varsity would conduct final year exams in a digital mode from october 1 and students would get to appear for their papers from home former principal of president's university amal kumar mokopadhai however stated that writing a paper from home can be anything but an exam मतलब यहाँ पे क्लियरली जो डिसीजन लिया गया है कैलकट यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपको डिजिटल मोड पे एग्जाम लिया जाएगा पर किस मोड पे एक्चुअली नहीं बोला गया है? अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा डिजिटल मोड में बोला गया था पर डिफरेंट मीडियाज की तरफ से ये बोला गया है कि आपका ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा आपका ओबी मोड पे एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा ये बोला गया है डिफरेंट मीडियाज की तरफ से तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को ना बोल के ओपन बुक एग्जाम बोला गया है तो होपफुली आपको भी पता होगा कि आपका ओपन बुक एग्जाम होगा पर एक्चुअली कैलकट यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं इस टाइम के अंदर ये क्लियर कर दिए हैं कि आपका जो एग्जाम होगा ये डिजिटल मोड पे होगा फर्स्ट अक्टूबर से होगा एंड स्टूडेंट्स घर पे बैठ के एग्जाम दे पाएंगे पर एक बार भी ओपन बुक एग्जामिनेशन का बात यहाँ पे नहीं किया गया और प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल जो है फॉर्मर प्रिंसिपल अमल कुमार मुखोपाध्याय भी ये बोले हैं एक पेपर को अगर आप घर से लिखे तो उसको पेपर को ये जो लिखेंगे आप इसको कुछ भी बोला सक, जा सकता है पर एक एग्जाम नहीं बोला जा सकता वेयर वॉज द नीड फॉर सच अरी ऑथोरिटी टू इम्प्रूव बैटलिंग एग्जाम से तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ये जो फॉर्मर प्रिंसिपल है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के वो क्लियरली बोल रहे हैं इतना जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है कोविड सिचुएशन को पहले नॉर्मल करना चाहिए सिचुएशन नॉर्मल हो जाने के बाद आपका एग्जाम होना चाहिए पहले कोविड

मीडिया उनको गलत समझे है मीडिया का गलती है कि वो गलत समझे है मैंने एक बार भी ये नहीं बोला की ओपन बुक एग्जाम आपका यहाँ पे होगा ऐसा अनाउंसमेंट एक बार भी नहीं किया गया है कैलकाटा यूनिवर्सिटी के तरफ से ओपन बुक एग्जाम आप देख सकते हैं यहां पे सिस्टम इज अ टेक्निकल टर्म आई नेवर यूज इट बट अ सेक्शन ऑफ मीडिया पुट द वर्ड्स इन माई माउथ आई जस्ट सेड All affiliated colleges will get a question paper on mail sometime before the scheduled time for the commencement of the exam. They can then send the papers to the candidates or mail or WhatsApp them individually. She told PTI. मतलब यहाँ पे clearly बोला जा रहा है open book exam एक technical term है। मैंने ये एक बार भी use नहीं किया। ये media है जो मेरे मुंह पे ये question रख दिए हैं कि मैंने बोला है open book exam के बारे में। तो हो सकता है बहुत student का गलतफहमी हुआ है मीडिया के बात सुन के होपफुली हम लोगों को भी हुआ है पर ये क्लियर अभी बोल दिया गया है कि ओपन बुक एग्जाम के बारे में कैलकाट यूनिवर्सिटी के तरफ से एक बार भी नहीं बोला गया है आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका कॉलेजेस को सुन आपका क्वेश्चन आप बोल सकते हैं सेंड कर दिया जाएगा फिर आपका कॉलेजेस से रेस्पेक्टिव कॉलेजेस से आपको सेंड किया जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर फिर वो क्वेश्चन का आप आंसर देंगे

if there is a problem with net connectivity he or she can write the answers on board sheets and submit them in a sealed cover रेस्पेक्टिव कॉलेजेस विद इन ट्वेंटी और कॉलेज में जाके विद इन ट्वेंटी फोर आवर्समिट करेंगे कैसे करेंगे उनका मैटर है यहाँ पे एक बार भी ये नहीं बोला गया कैसे वो करेंगे अगर किसी का नेट प्रॉब्लम हो तो आपको करना पड़ेगा ये यहाँ पे बोल दिया गया है नेक्स्ट ओपन बुक एग्जाम का यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है ये भी क्लियरली बोल दिया गया है कैलका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए तो आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है आपका ओपन बुक एग्जाम नहीं हो रहा मतलब जो जो नोट्स जो जो बुक्स आप यूज करेंगे सोचे थे वो आप यूज नहीं कर सकते तो अभी ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं हो रहा आपका हो रहा है ऑनलाइन या फिर डिजिटल मोड एग्जामिनेशन आप ये दिमाग पे रख के ही अपना प्रिपरेशन कीजिए Next, also, this 24 hours window does not imply that students get to consult others or refer to books. If a student has not studied the subject all these months, it ट्वेंटी फोर आवर्स आपको जो टाइम दिया जा रहा है यहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा इतना समय नहीं मिलेगा आप दूसरे के साथ कॉन्सल्ट करके या फिर बुक सर्च करके आप एग्जाम्पल लिखे या फिर एंसर लिखे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन किया जाएगा जिसमें आपको बहुत सोचना पड़ेगा और ये लीगल भी नहीं है ये आप कर भी नहीं सकते किसी के साथ कॉन्सल्ट या फिर कोई बुक का आप हेल्प ले सकते हैं आपको खुद से ही देना पड़ेगा और वैसे ही क्वेश्चन रखा जाएगा कि आप ढूंढने से भी ना मिले अगर आपने ये टाइम के अंदर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लियरली बोल दिया गया आपका वीसी की तरफ से अगर आपने नहीं पढ़ा है या अगर आप नहीं पढ़े वो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपका एग्जाम को लेके मैंने आपको इन डिटेल्स बताया कैलकटे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ओनली मुझे फॉलो कीजिए मैं जो बोल रहा हूं वो फॉलो कीजिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं क्यों बता रहा हूं क्योंकि एक बार भी आपका यूनिवर्सिटी का वी अभी ये बोल रहे हैं कि एक बार भी ऐसा नहीं बोला गया है वो मीडिया का गलती है समझने का गलती है कि वो ये पकड़े हैं कि मैंने ये बोला है कि आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा ओपन बुक एग्जामिनेशन कैलकाटा यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा आपका हो रहा है ऑनलाइन एग्जाम सेकेंड आपको टोटल टाइम ट्वेंटी आवर्स ही मिलेंगे थर्ड आपको ये ट्वेंटी फोर्थ आवर्स टाइम मिलेंगे अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई नहीं किया तो वो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं ढूंढ पाएंगे जहां पे क्वेश्चन का आंसर बोला गया था बहुत ही इजी क्वेश्चन करने के लिए वेस्ट बंगाल का सीएम के तरफ से बोला गया था किसी भी तरीके से आप एग्जाम ले लीजिए ज्यादा फोर्स मत कीजिए स्टूडेंट्स को जस्ट एग्जाम होना चाहिए वहां पे कैलकट यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से इतना फोर्स क्यों किया जा रहा है स्टूडेंट्स को इतना ये क्यों बोला जा रहा है कि एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट दीजिए आप एग्जाम ले रहे हैं स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पर यहां पे फिर से यह बोला जा रहा है कि एग्जाम बहुत ही हार्ड होगा अगर कोई स्टूडेंट बुक का हेल्प ले किसी का हेल्प ले या फिर ना पढ़ के एग्जाम दे वो स्टूडेंट बहुत ही डेंजर में पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता ये करना चाहिए ये हो रहा है जो हो रहा है मैंने आपको बताया अब क्लियरली मैंने आपको एक चीज बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए आपको ठीक ठाक से पढ़ना है अगर इस वन महीने के टाइम के अंदर अगर आप ठीक ठाक से नहीं पढ़े तो आपके लिए हो सकता है बहुत ही प्रॉब्लम हो तो जैसे मैंने बोला वैसे आप फॉलो कीजिए आपके लिए अच्छा होगा इस वीडियो में आपको क्लियरली पता चल गया सीयू एक्चुअली करने क्या वाले हैं तो वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कॉमेंट करके बताना वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर और वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो डेफिनेटली शेयर करना क्योंकि हर एक फ्रेंड के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो एग्जाम दे रहे हैं सीयू के अंडर में या फिर अदर किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में उनको भी जानना चाहिए तो जिसको भी जानना चाहिए उसको शेयर कीजिए ये और अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एडुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर सब लोगों से मुलाकात होगी तब तक के लिए बाय बाय